भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले कल भी 96,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 46 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं देश और दुनिया में क्या है कोरोना की स्थिति। भारत में रोजाना कोरोना वायरस के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 97,570 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1201 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 46,60,000 हो गई है। इनमें से 77,472 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,98,000 हो गई है और 36,24,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब एक नजर डालते हैं देश के प्रभावित राज्यों पर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 10,15,681। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 5,47,686। तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित हुए 4,91,571 लोग। कर्नाटक में संक्रमितों की संख्या हुई 4,40,411। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,99,045। ICMR के मुताबिक 11 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,50,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,00,000 सैंपल की टेस्टिंग पिछले 24 घंटे में की गई है। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। 18 साल से 44 साल की उम्र के 54% लोगों में कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में हुई है। वहीं दुनिया भर में आंकड़े की अगर बात करें तो दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या हुई 2,83,31,928। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 9,13,018। कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा 1,91,07,901। दुनिया में कोरोना से ज्यादा प्रभावित देशों में चौथे नंबर पर रूस है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।